आपको पता होगा द कॉन्जरिंग एक रियल घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में कुछ हद तक सच दिखाया गया है, लेकिन इन घटनाओं की पक्की जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को है। सन 1970 में रॉजर और उसकी पत्नी कैलोरिन अपने 5 बच्चों के साथ एक फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। कुछ दिनों के बाद वहाँ उन्हें आत्माओं का एहसास होने लगता है। छोटे बच्चों की आत्मा इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती। फिर यहाँ बसीबा की आत्मा और उसने बच्चों की माँ कैलोरिन के शरीर पर काबू पा लिया। लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए काफी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों को आत्माओं के चंगुल से छुड़ाया था। उनके आने से आत्मा और चिढ़ जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि लॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया कैलोरिन पर की थी। असल में एड और लॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म किया ही नहीं था, उन्होंने सांसें नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई मरे हुए लोगों से कॉन्टैक्ट बनाकर उनसे बातें कर सकता है। कैलोरिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने बताया कि इससे स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने आत्माओं का ऐसा दरवाजा खोल दिया जो कभी बंद ही नहीं हो पाया। इसके बाद एंड्रिया के पिता ने एड और लॉरेन को घर से निकाल दिया। आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाया। घर छोड़ने के बाद भी आत्माओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।